उधर आउटडोर शादी की तकरीबात के लिए SOPs जारी। तकरीब का वक्त सिर्फ 2 घंटे होगा। रात 10 बजे के बाद कोई तकरीब नहीं होगी। बूफे डिनर और लंच सेल्फ सर्विसेज पर पाबंदी। पैकिंग में लंच बॉक्स और टेबल सर्विस के तहत ही खाना दिया जाएगा। जो बाइडेन व्हाइट हाउस के नए तख्त नशीन। अमरीकी आवाम ने अपना फैसला सुना दिया। आज फतह का दिन है। कौम को तकसीम करने नहीं जोड़ने आए हैं। अमरीका को एक बार फिर दुनिया में काबिल एहतराम बनाएंगे। जो बाइडेन का सदर मंतखब होने के बाद कौम से खिताब। मजीद कहा, सियासी मुखालिफीन हमारे दुश्मन नहीं, ये नस्ल परस्ती के खात्मे की जंग का वक्त है। अपनी कोरोना टास्क फोर्स का ऐलान पीर को करेंगे। जो बाइडेन जनवरी 2021 में हलफ उठाएंगे। नामुंतखब अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने ट्रंप की धांधली के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। पहले आवामी खिताब में कहा, जमहूरियत के तहफ्फुज की कोशिशें कुर्बानियां मांगती हैं। इलेक्शन में डाले गए हर वोट को गिना गया। अमरीकी आवाम ने जो बाइडेन को मुंतखब किया और मुल्की सालमियत को बचाया। गैर सफ़ेद फार्म कमला हैरिस अमरीका की पहली खातून नायब सदर मुंतखब हो। डोनाल्ड ट्रंप ने हार ना मानी। बाइडेन की कामयाबी के बावजूद अपनी जीत पर इसरार। ट्रंप ने ट्वीट किया कि उन्होंने सदारती इंतखाब बड़े मार्जिन से जीत लिया है। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। ट्रंप ने इंतखाबी नतायज अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया। सदर ममलकत आरिफ अलवी और वजीर आज़म इमरान खान की नए अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस को मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी का कहना था, अमरीका के साथ तवीलमुद्दती दोस्ती को जारी रखने और बावकार ताल्लुकात के खाहां हैं। वजीर आज़म इमरान खान का जो बाइडन से मिलकर लूटी दौलत वापस लाने का आज़्म। आलमी रहनुमाओं की जो बाइडेन को कामयाबी पर मुबारकबादें। बरतानिया, न्यूजीलैंड और इतालवी वज़ीरे आज़म समेत आलमी रहनुमाओं के मुबारकबाद के पैगामात। उर्दन के शाह अब्दुल्ला, इराक के सदर और मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद ने भी जो बाइडेन और कैमला हैरिस को मुबारकबाद पेश की। अमरीका में कहीं फतह का जश्न और कहीं शिकस्त का मातम। वाशिंगटन समेत शहर शहर बाइडेन के हामियों का जीत का जश्न। सड़कों पर खुशी से रक्स करने में मसरूफ। उधर ट्रंप की शिकस्त देखकर उनके हामियों ने एहतजाज शुरू कर दिए। एरिजोना, शमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया समेत कई रियासतों में मुजाहिरे। जो बाइडेन अमरीका के सदर मुंतखब हो गए हैं। जो बाइडेन ने अनाउंस कर दिया कि ही हैज वन द इलेक्शन। द रीजन इज जॉर्जिया के अंदर जो 8,300 वोट आने थे फौजियों के, उन्होंने भी जो बाइडेन के हक में वोट डाल दिया। अमरीकी सदारती इलेक्शन की भरपूर कवरेज। 92 न्यूज ने सबसे पहले नतीजे की खबर देने की रिवायत बरकरार रखी। जो बाइडेन की जीत की खबर भी सबसे पहले नशर की। इलेक्शन के दौरान लम्हा बा लम्हा बदलती सूरत हाल, बावसूक खबरें और गैर जानबदार तज्जिये। 92 न्यूज नाजरीन को मालूमात फराहम करने में सबसे आगे रहा। पाक सरजमीन पार्टी कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा करने को तैयार। बागी जनाह में जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने PDM से बड़ा जलसा करने का दावा कर दिया। बोले, सरकारी खर्च पर नहीं, लोग खुद बागी जनाह आएंगे। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद PDM का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा के हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। 22 नवंबर को पेशावर में होने वाले PDM जलसे पर भी गौर किया जाएगा। PDM के इजलास में बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ से मुतल्लिक बयान पर भी बात होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, अपोजिशन जमातें अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही हैं। इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क-ओ-क़ौम के रहनुमा नहीं, दुश्मन हैं।
किसी को मुल्की इदारों की तजहीक नहीं करने देंगे। वो आपने खसूसी वजीर आजम शहबाज गिल बोले, मुल्क को कोरोना से ज़्यादा ख़तरा मियाँ मफरूर का है, जिसे उनकी पार्टी और करप्शन पार्टनर्स भी मुस्तरद कर चुके हैं। मरियम नवाज की नैब पेशी पर हंगामा आरआई का केस, पुलिस गिरफ्तार। लीगी एमपीए ख्वाजा इमरान नजीर को लेकर जिला कचहरी पहुंच गए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगी। ख्वाजा इमरान नजीर को कल इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। कराची में रेंजर्स ने सिक्योरिटी सूरतेहाल मौसर बनाने के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी। ऐप इब्तदाई मरहले में अस्पतालों, बैंक्स, स्कूल से वाबस्ता अफराद के लिए मुख्तस। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक ऐप का मकसद इंटेलिजेंस नेटवर्क तश्कील देना है। पंजाब में तालीमी शोबे में इनकलाब आया है, ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम का आगाज किया गया। मुआवन खसूसी इत्तिलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, मजीद लिखा कि 10,000 स्कूल्स में सोलर एनर्जी का मौसर इस्तेमाल, 2800 नए क्लासरूम्स का इजरा हुआ, 250 कॉलेजेस, 15 यूनिवर्सिटीज और 8 तालीमी बोर्ड्स के सरबराहान की मेरिट पर तैनाती, उस्मान गुजदार का कमाल। शाहीनों ने वनडे के बाद T20 सीरीज पर नजरें जमा ली। पाक जिम्बाब्वे दूसरा T20 मैच दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। पहले T20 मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। कप्तान बाबर आजम शानदार 82 रन की इनिंग्स खेलकर मैन ऑफ द मैच रहे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबले, चेल्सी ने शेफील्ड यूनाइटेड को 1-1 में 4 गोल से शिकस्त दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एवर्टन को 1-1 में 3 गोल से मात दी। और उर्दू शायरी का बड़ा नाम जॉन एलिया को अपने मदाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। अपने गैर रिवायती शायरी से दिलों में उतर जाने वाले जॉन एलिया ने महज 8 बरस की उम्र में पहली नज़म कही और फिर कहते ही चले गए। उनकी यादें, बेखुदी और बेसाख्ता लहजा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।